आगरा के जॉन स्वेल प्रकरण में जिलाधिकारी की कमेटी में दोषी पाए जाने के बावजूद भी सफेद पौधों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कपिल वाजपेयी ने कलेक्ट्रेट में आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जॉन स्वेल पर जिले के माफियाओं ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर अभी भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कपिल वाजपेयी द्वारा तमाम शिकायतें दर्ज करने के बावजूद भी आगरा प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मजबूरन होकर कपिल वाजपेयी निर्धारित तिथि के अनुसार कलेक्टर परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मैं कपिल वाजपेयी, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता। कपिल जी, जैसे कि आप जॉन स्वेल में सरकार की करोड़ों रुपए की संपत्ति है, सरकार के अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी हमारे माननीय जिलाधिकारी द्वारा उस पर समिति बना के जाँच करवाई गई, एक लंबी कवायद हुई, 5 महीने 6 महीने जांच चली। जांच चलने के बाद में कुछ दोषियों को चिन्हांकन किया गया कि हाँ ये दोषी हैं, इन्होंने ज़मीनों को दबाया है, उनको भूमाफिया घोषित करा गया। अब वो भूमाफियाओं के ऊपर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, वो भूमाफिया भी खुशी से आनंदपूर्वक अपने घूम रहे हैं, उनकी संपत्तियाँ भी यथावत हैं। उसके अलावा जिन जिन लोगों ने उस पूरी संपत्ति पे कब्जा किया था, सब संपत्ति को अपने अंडरटेकिंग में ले रखा है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति को जिन्होंने ले रखा है, जिसकी जानकारी सरकार को है, उस पर कार्रवाई ना होने के कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तब तक यहाँ पर बैठे। इसका मतलब सारे लोग मिलकर कर रहे हैं ना, सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, तो जो विभाग नहीं ले रहा है, जो विभागाध्यक्ष नहीं ले रहा है, उसके खिलाफ FIR करवाइए। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम धरना दे तो रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। मेरे पास ये अधिकार तो है नहीं कि मैं जाके DM साहब की गर्दन पकड़ लूंगा, मेरे पास यही अधिकार है ना कि मैं विनती स्वरूप लोकतांत्रिक तरीके से अपने धरना प्रदर्शन को व्यवस्थित करता रहूं। और वो देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।